अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुबशिर सर। टुडेज लेक्चर फॉर क्लास 11th एंड लेट मी टेल यू, दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आज लास्ट लेक्चर हम देने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, और इंशाल्लाह जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे क्लास 11th के लिए, दैट विल बी फ्रॉम पार्ट बी, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा थर्मोडायनेमिक्स के लिए, तकरीबन एक डेढ़ महीने से हम उसको चला रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसके बाद हम बात करेंगे जीरोथ लॉ जो है, जीरोथ लॉ, समटाइम्स वी कैन से इट कॉल इट एज फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक रहेगा थर्मोडायनेमिक्स में, लास्ट टॉपिक जो रहेगा दैट विल बी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? और काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, अब ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके रिलेटेड है, ये लॉ किस चीज के बारे में हमें बताता है? तो आपको पता होगा इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव स्टडीड इंट्रोपी, हमने इंट्रोपी को पढ़ा है, हमने इंट्रोपी को समझा है, और हमने ये भी कहा है कि जो इंट्रोपी होती है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूंगा इंट्रोपी क्या होती है, इट इज सिंपली रैंडमनेस, इट इज रैंडमनेस, और वी कैन से डिसऑर्डर। थर्मोडायनेमिक्स में हम कहते हैं रैंडमनेस और डिसऑर्डर, ठीक है? या वी कैन से किसी सिस्टम में जो उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें किस तरीके की फ्रीडम है, ठीक है? वी कैन से फ्रीडम भी इसको कह सकते हैं, किस तरह की फ्रीडम है, किस तरह की रैंडमनेस है, किस तरह का डिसऑर्डर है, डिस्टर्बेंस है, उसको हम कहते हैं एंट्रोपी, एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी के बारे में बताता है। एज वी नो कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे उतना क्या होता है, उस सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनमें फ्रीडम बढ़ जाती है, उनमें फ्रीनेस आ जाती है, उनकी रैंडमनेस बढ़ जाती है। हम पहले भी बता चुके हैं कि एंट्रोपी जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है? यहाँ पे हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि एंट्रोपी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। It means that with increase in temperature, there is increase in randomness, there is increase in disorder. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो भी सिस्टम होता है, हमारे पास जो भी सिस्टम होता है, उस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स जिनका ये बना होता है। अब इन मॉलिक्यूल्स जो इसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इन मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मोशन। वॉट वी से, हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मोशन, मीन्स ये सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या आ जाते हैं, ये मोशन में आ जाते हैं। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, दे शो सर्टेन टाइप्स ऑफ मोशंस लाइक ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल, दे शो वाइब्रेशनल मोशन, एंड दे शो रोटेशनल मोशन, ठीक है? These are certain types of motions which are associated with the molecules which constitute a system, जो एक system को बनाते हैं। तो ये इस तरह की motions, ये molecules दिखाते हैं। Because of this motion, we can see in molecules में freeness आ जाती है, freedom आ जाती है, इनका disorder आहिस्ता आहिस्ता से temperature के बढ़ने के साथ बढ़ जाता है, ठीक है? तभी हमने कहा with increase in temperature, there is increase in randomness, there is increase in disorder or freeness of a system. So in short we can say there is increase in entropy. ये तो हमें पता है। तो इसी ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके एक शख्स आए थे जिनका नाम है नर्नस्ट। क्या है उनका नाम? नर्नस्ट। तो नर्नस्ट ने ही ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके इस ऑब्जर्वेशन को एक लॉ की शेप दी, लॉ की फॉर्म दी। तो नर्नस्ट जो है 1906, ये चीज आपको याद रखनी है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था नर्नस्ट ने। और ये जो नर्नस्ट है उन्होंने क्या किया, जो हम अभी बता चुके हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी, और विद डिक्रीज इन टेम्परेचर वैसे वर्षा देयर विल बी डिक्रीज इन एंट्रोपी। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे फ्रीडम डिसऑर्डर सिस्टम का बढ़ेगा, जितना आप टेम्परेचर घटाओगे वो डिसऑर्डर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्डर्ड मैनर में, उस सिस्टम में मॉलिक्यूल्स की फ्रीडम आहिस्ता आहिस्ता से क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। इसी चीज का इस्तेमाल करके नर्नस ने एक लॉ, इस ऑब्जर्वेशन को एक लॉ की शेप दी, ठीक है? और उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका स्टेटमेंट क्या है, वी कैन से द एंट्रोपी
of a pure, or we can say perfectly, ठीक है, perfectly crystalline substance or solid, we can say the entropy of a pure or perfectly crystalline solid substance, okay, is 0 at absolute 0 temperature. ये है छोटा सा स्टेटमेंट थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, विच वॉज गिवन बाय नर्नस्ट. अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में हम समझाएंगे. द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, जो भी हमारे पास कोई भी प्योर सब्सटेंस होता है, क्रिस्टलाइन प्योर सब्सटेंस होता है, उसकी जो एंट्रोपी होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, वो जीरो होती है. कब? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. एब्सोल्यूट जीरो किसको कहते हैं? अब ये जो हमारा है ना, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम किसको बोलते हैं, ये समझने वाली बात है. तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए, दैट शुड बी एब्सोल्यूट जीरो. एब्सोल्यूट जीरो हम किसको बोलते हैं, जीरो केल्विन. रिमेंबर दिस, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किस टेम्परेचर को बोलते हैं, जब हमारा टेम्परेचर कितना होगा, जीरो, लेकिन किसमें, केल्विन में. जीरो केल्विन टेम्परेचर जो होता है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. यानी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जीरो केल्विन. अब हमें पता है कि अगर हमें केल्विन को अगर हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, दैट इज 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड. इस तरह से हम केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब केल्विन कितना हमारा, जीरो इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड. और वी कैन से इस 273 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होगा, माइनस 273. तो डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है, माइनस 273. ये जो टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, माइनस 273. ये टेम्परेचर जो हमारा है ना, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो. और ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं होता है. रिमेंबर दिस, माइनस 273 टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं होता है अभी तक. अगर हम अपने आस पास देखें, दिस टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, बट वी कैन इमेजिन इट, वी कैन टेक इट एज एन हाइपोथेटिकल केस. हाइपोथेटिकली हम सोच सकते हैं कि हाँ, माइनस 273 ये ना, ये टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो होता है, लेकिन ये टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं होता है. तो याद रखना है आपको कि एंट्रोपी जो होती है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ती है. इस चीज का इस्तेमाल करके नर्नस ने एक लॉ दिया. तो लॉ को एक्सपेंड कैसे किया, उसका स्टेटमेंट कैसे किया, कि जो एंट्रोपी किसी भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, जो भी रैंडमनेस या डिसऑर्डर होती है, वो होती है जीरो. यानी वो क्या होती है, जीरो. कब? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे किसी भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी जीरो होती है. ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट एट एब्सोल्यूट जीरो ऑल, या वी कैन से एट एब्सोल्यूट जीरो वी कैन से ऑल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव a perfect order. यानी absolute zero temperature पे जो भी हमारे pure crystalline solids होते हैं, उनमें जो order होता है, उनमें जो randomness होती है, वो almost zero होती है. उनका order क्या होता है, perfect होता है. Have perfect order in their constituent particles. तो हम क्या कह सकते हैं कि actually we can say hence they do not possess any disorder. तो ऐसे भी कह सकते हैं कि इस absolute zero temperature पे कोई भी pure या perfectly crystalline solid जो होता है उसमें zero disorder होता है.
ठीक है, तो याद रखना आपको सिंपल सा फंडा मैंने आपको यहाँ पे बोला है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका कंसेप्ट किसके पीछे जाता है, किसके ऊपर है, दैट्स अबाउट एंट्रोपी। और हमें पता है कि एंट्रोपी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है, टेम्परेचर के घटने से एंट्रोपी और रैंडमनेस डिक्रीज होती है। इस चीज का इस्तेमाल करके, इस ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके नर्नस्ट ने 1906 में एक लॉ दिया। लॉ को किस तरह एक्सप्लेन किया कि जो एंट्रोपी होती है, यानी जो रैंडमनेस होती है, जो फ्रीडम होती है किसी भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, वो हमेशा जीरो होती है। कब? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो मीन्स टेम्परेचर जीरो केल्विन होना चाहिए। अब केल्विन को हम डिग्रीज में अगर आप इसको मेजर करने की कोशिश करोगे तो फॉर्मूला क्या है, 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। वी नो दैट हमारे पास जो केल्विन है वो कितना है, जीरो है। तो केल्विन की जगह जीरो लगाओ, इज इक्वल 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। तो 273 को लेफ्ट साइड में ले जाओ या डिग्री सेंटीग्रेड को लेफ्ट साइड में ले जाओ, ठीक है। तो अपॉन शिफ्टिंग रह रहे जी, वी विल गेट डिग्री सेंटीग्रेड विल इक्वल टू -273। तो ये जो टेम्परेचर है, ये एक ऐसा है, इतना छोटा टेम्परेचर है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, बस हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। और यही टेम्परेचर हमारा होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और कहा जाता है कि अगर आप किसी भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, उसकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आपका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो रीच कर गया तो उसमें जो डिसऑर्डर होता है वो ऑलमोस्ट जीरो बन जाती है, यानी वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाता है, ठीक है। तो ये था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अनदर कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट तो है आपके सिलेबस में, शायद उसमें मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए। दैट इज अबाउट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और बीइंग केमिस्ट, एक केमिस्ट स्टूडेंट को, केमिस्ट लर्नर को पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं इंसान को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, दैट विल बी अबाउट जीरोथ लॉ। इसको आप फोर्थ लॉ भी कह सकते हो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मो डायनेमिक्स, ठीक है। कभी कभार पूछा जा सकता है आपको ऑब्जेक्टिव के शेप फॉर्म में, या आपको सब्जेक्टिव के फॉर्म में आपसे कभी कभार पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फोर्थ लॉ, क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा है, सेकंड लॉ पढ़ा है, थर्ड लॉ पढ़ा है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस करना है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो बिफोर गिविंग इट स्टेटमेंट, ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या कहना है, मानो मेरे पास दो बॉडीज है, यहां से मैं दिखा देता हूं, मेरे पास दो बॉडीज है, ठीक है। मानो ये मेरे पास बॉडी ए है, इट मे बी सॉलिड लिक्विड और गैस, ये मेरे पास बॉडी बी है, इट मे बी सॉलिड लिक्विड और गैस। अब इन दो बॉडीज को जिस वेसल में मैंने रखा है उसकी जो वॉल्स है ना, वो क्या है, वो नॉन कंडक्टिंग है, रिमेम्बर वो क्या है, ये नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग को हम एडियाबेटिक भी बोलते हैं। स्टार्टिंग में हमने कहा था ये जो वॉल्स इसके हैं, ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग, और वी कैन से एडियाबैटिक, यानी एक ऐसा वॉल होता है, एक ऐसी सरफेस होती है जो ना हीट एक्सचेंज करती है, ना मैटर एक्सचेंज कर सकती है, ना एनर्जी एक्सचेंज कर सकती है विद, मतलब जो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होता है, नॉन कंडक्टिंग होती है, ये कंडक्ट नहीं करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमने दो बॉडीज ली, बॉडी ए और बॉडी बी, ठीक है। लेट ये बॉडी ए जो है, इसमें जो भी हमने मैटर रखा है उसका टेम्परेचर हम लेते हैं टी वन, इसका कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, लेट इट बी टी वन। और जो बॉडी बी है इसका टेम्परेचर हम लेते हैं टी टू, ठीक है। अब हम यहां से क्या करते हैं, हमने दो बॉडीज ली, दो बॉडी को हमने सराउंड किया है, बांध के रखा है कि नॉन कंडक्टिंग और एडियाबेटिक वॉल से, ठीक है, यानी यहां से तो कोई ट्रांसफर नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दो बॉडीज के ऊपर हम रखेंगे एक थर्ड बॉडी, दिस इज बॉडी थर्ड, ठीक है। यानी हमने क्या रखा है, हमने इनके ऊपर एक थर्ड बॉडी रखी है, ठीक है, थर्ड बॉडी रखी है, लेट इट बी सी, लेट इट बी सी, और इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं टी थ्री,
ठीक है, तो हमारे पास कितनी बॉडीज आ गई, कितने सब्सटेंस आ गई, तीन, ए बी, उनको हमने सेपरेट किया है नॉन कंडक्टिंग और एडियाबेटिक वॉल से, ठीक है, और इन दो बॉडीज के ऊपर हमने एक थर्ड बॉडी रखी है, बॉडी सी, जिसका टेम्परेचर क्या है, T3। तो हमारे पास बॉडी, पहली बॉडी है ए, बी और सी, ठीक है, ये ए और बी बॉडी जो है इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं T1, इसका टेम्परेचर हमने रखा है T2, इसका हमने रखा है T3, और इनको हमने, ये जो ए और बी है, दे आर सेपरेटेड बाय एडियाबेटिक वॉल्स, और जो ये बॉडी सी है, ये जो बॉडी सी है, इसका जो ये वॉल है ना, ये वाला जिसका वॉल है, जो टच कर रहा है, ये क्या है, ये कंडक्टिंग। रिमेम्बर, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल एग्जाम्पल मैं देने वाला हूं, जिससे आपको ये जीरोथ लॉ समझ आ जाएगा। यानी ए और बी को हमने सेपरेट किया है नॉन कंडक्टिंग और एडियाबेटिक वॉल से, यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होगा, यहाँ पे कोई ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हमने थर्ड बॉडी रखी है, थर्ड बॉडी का ये जो वॉल है, ये क्या है, ये कंडक्टिंग है, मीन्स ये क्या करेगा, ये एक्सचेंज कर सकता है, हीट को एक्सचेंज कर सकता है, हीट को ट्रांसफर कर सकता है। अब क्या हो रहा है, ठीक है, तो एज आई सेड कि यहाँ पे जो ये वॉल है, ये क्या है, ये कंडक्टिंग है, मीन्स ये ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफर करेगा हीट को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और सी क्या करेंगे, आपस में हीट को एक्सचेंज करेंगे, या तो ऐसा हो सकता है कि ए सी को हीट दे सकता है, या ऐसा हो सकता है कि सी ए को हीट देगा, और तब तक एक दूसरे के साथ हीट एक्सचेंज करेंगे जब तक न ए और सी जो है दे विल अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब यह है कि ए और सी आपस में क्या कर रहे हैं, ये हीट एक्सचेंज कर रहे हैं थ्रू दिस कंडक्टिंग वॉल, और तब तक जब तक ना यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, ठीक है, कौन सा इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी टेम्परेचर जो होगा दोनों का क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स, यहाँ पे मैं आपको बोल दूं, थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वेलिटी इन टेम्परेचर, यानी जब तक न दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम रहेगा तब तक हीट क्या होगी, एक्सचेंज होती रहेगी, ठीक है। इसी तरह से बी और सी जो है, इसके बीच में क्या होगी, इसके बीच में भी क्या हो जाएगी, हीट एक्सचेंज होगी, तब तक जो यहाँ पे स्टेट्स है दे विल अटेन इक्विलिब्रियम। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि बी और सी के बीच में भी हीट का एक्सचेंज होगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग वॉल है। कब तक होगा, जब तक न दोनों अचीव करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो फिर से मैं बता देता हूं कि क्या हो रहा है, हमने दो बॉडीज ली ए और बी, उनको हमने सेपरेट किया है एक नॉन कंडक्टिंग और एडियाबेटिक वॉल से, यहाँ पे कोई ट्रांसफर नहीं होगा, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2, इन दो बॉडीज के ऊपर हमने थर्ड बॉडी रखी है जिसका वॉल कंडक्टिंग है, यानी जो एलो करेगा हीट को, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि ए और सी के बीच में ट्रांसफर हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगी हीट की, या तो ए सी को देगा या सी ए को देगा, तब तक जब तक न अटेन हो जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये बात होगी, इसके बाद क्या होगी, इसी तरह से बी और सी के बीच में भी यहाँ पर एक्सचेंज होगा हीट का, या तो सी बी को देगा या बी सी को ट्रांसफर करेगा, तब तक जब तक इनके बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन होगा, ठीक है। और जैसे ही थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन होगा, वी कैन से दैट अब यहां से कोई एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर अब बराबर हुआ होगा। तो ये था हमारा केस फर्स्ट। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यानी ए और सी के बीच में भी इक्विलिब्रियम आ गया, आई विल राइट हियर, अब ए और सी के बीच में भी थर्मल इक्विलिब्रियम, इसी तरह से बी और सी के बीच में भी थर्मल इक्विलिब्रियम। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस सी बॉडी को हटा रहे हैं, और हमने क्या किया है, अब हम बस ए और बी ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ए और बी ला रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, इसके बीच में जो ये वॉल है ना, ये अब कंडक्टिंग रख रहे हैं। इससे पहले क्या थी, इससे पहले ये एडियाबेटिक थी, स्टार्टिंग में एडियाबेटिक थी, लेकिन अब हमने ए और बी को लाया, और बीच में जो वॉल रखी वो क्या रखी, कंडक्टिंग वॉल, यानी अब ये वॉल एलो कर सकती है हीट को। लेकिन देखा गया है कि जैसे ही हम फिर ए और बी को लाते हैं और इनके बीच में कंडक्टिंग वॉल रखते हैं, वी से दैट द स्टेट्स ऑफ टू बॉडीज रिमेन एज सच, यानी इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने जब ए और बी को एक वेसल में रखा और बीच में सेपरेट किया एक कंडक्टिंग वॉल से, देखा गया कि दोनों बॉडीज की स्टेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना इनका टेम्परेचर चेंज हुआ, ना इनका प्रेशर चेंज हुआ, ना इनका वॉल्यूम चेंज हुआ,
बात समझ आ रही है? यानी सिंपल एक्सपेरिमेंट ऐसा किया गया कि एक वेसल लाई गई, उसमें ए और बी बॉडी को, दो बॉडीज को रखा गया और उसको सेपरेट कर रहा था एक नॉन कंडक्टिंग या एडियाबेटिक वॉल, यानी जो इनको एलो नहीं कर रहा था हीट को. इसके बाद हमने थर्ड बॉडी रखी, बॉडी सी, और ये जो इसका वॉल जो था, सी बॉडी का वॉल जो था, इसके साथ जो टच हो रहा था वो कंडक्टिंग था. तो देखा गया कि ए और सी जो है ये आपस में हीट एक्सचेंज कर रहे थे तब तक जब तक ये अटेन करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम. तो ए और सी के बीच में अब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया. इसी तरह से बी और सी ने भी हीट एक्सचेंज की और एक टाइम ऐसा आ गया जब इनके बीच में भी थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, यानी इनका टेम्परेचर जो था वो सेम हो गया. इसके बाद क्या किया, अब ए और बी को लाया गया और इनको एक ऐसे सिस्टम में रखा गया कि इनके बीच में अब कंडक्टिंग वॉल रखी गई और देखा गया कि क्या कोई चेंज आ रही है. तो देखा गया देयर वॉज नो चेंज इन द स्टेट्स ऑफ द टू बॉडीज. ठीक है, इनका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम जो भी था वो सेम था, ना यहाँ से हीट एक्सचेंज हुई ना यहाँ से हीट एक्सचेंज हुई. इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये चीज पता चली कि व्हेन टू बॉडीज आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी सी, जब दो बॉडीज ए और बी अलग अलग से किसी थर्ड बॉडी सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो टू बॉडीज होते हैं वो आपस में भी थर्मली इक्विलिब्रियम होते हैं. दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फिर से मैं कहूंगा, व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मली इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड बॉडी सी, व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी आर सेपरेटली थर्मली इन थर्मली इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड बॉडी सी, देन द टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मली इक्विलिब्रियम विद ईच. ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर ए और बी बॉडी थर्मली इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, किसी थर्ड बॉडी सी के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ए और बी है वो आपस में भी थर्मली इक्विलिब्रियम में होते. ठीक है, तो यहां से मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं. ठीक है, यहां से मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं. आई होप कि आपको बात समझ आई होगी जीरोथ लॉ की. आई विल राइट हियर स्टेटमेंट क्या है, व्हेन टू बॉडीज, आप भी स्टेटमेंट लिख लो, व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी आर सेपरेटली in thermal equilibrium with a third body C, then the two bodies A and B are in equilibrium with each other. ठीक है, तो फिर से मैं कहूंगा कि जब दो बॉडीज ए और बी सेपरेटली मीन्स अलग अलग से सी बॉडी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपस में भी थर्मली इक्विलिब्रियम दिखाएंगे. दे विल बी थर्मली इक्विलिब्रियम टू ईच अदर. इसका एक और तरीका मैं आपको बोल देता हूं. मानो दो लड़के हैं, एक का नाम आप मानो आसिफ, दूसरे का नाम मानो आप रियाज. ये दो लड़के हैं. ठीक है, दिस इज फर्स्ट बॉय, दिस इज सेकंड बॉय. मानो एक लड़का है जिसका नाम है अली. यहां से मैं बोल देता हूं अली, मानो अली तीसरा लड़का है. अब ये आसिफ जो है ये इस अली का दोस्त बन गया. बात समझ आ रही है? ये रियाज जो है ये भी इस अली का दोस्त बन गया. यानी आसिफ अलग से, आसिफ इसको नहीं जानता था, आसिफ अली का दोस्त बन गया, रियाज भी अली का दोस्त बन गया. क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि इनडायरेक्टली अब ये आपस में दोस्त बन गए? बात समझ आ रही है? आसिफ सेपरेटली अली का दोस्त बन गया, रियाज भी सेपरेटली अली का दोस्त बन गया. तो हम अब ये नहीं कह सकते हैं कि आसिफ और रियाज भी आपस में दोस्त बन गए. वही तो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जो बॉडी ए है वो इसके साथ इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली, बॉडी बी जो है वो भी सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम है. इसका मतलब ये आपस में भी थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे. दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है, व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड बॉडी सी, इट मींस दैट द टू बॉडीज आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. ठीक है, वी कैन से टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल, यहां पे थर्मल लिखना है. और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वलिटी ऑफ टेंपरेचर, टेंपरेचर का बराबर होना. तो ये जो मैंने एग्जांपल दी है, एग्जाम में नहीं लिखना इसको,
अली रियाज का कंसेप्ट वहां पे नहीं लिखना, बस आपको समझाने के लिए कि अगर दो शख्स जो है वो सेपरेटली किसी तीसरे बंदे के साथ उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, उससे वो आपस में भी दोस्त बन जाते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर छोटा था, इफेक्टिव था, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इफेक्टिव लगा होगा। और आज हमने थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह जब भी क्लास 11th की का लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बाकी फ्रेंड्स तक, ठीक है। सी यू नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, खुदा हाफिज़।